स्टूडेंट, मैं योगेंद्र कुमार यादव, टेक्नीशियन गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अलवर। मैं आज आपको इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप में, जिसका कोड 209 है, उसका सिलेबस में थर्ड पार्ट, जो उसमें आपको एक स्विच बोर्ड तैयार करना है जिसमें चार स्विचेज हों, एक सॉकेट है, एक फैन रेगुलेटर है, तो उनको फिट करके और उसको कैसे कनेक्शन किया जाता है उसके बारे में बताएंगे, सर्किट डायग्राम। तो उसके लिए पहले क्या क्या सामान चाहिए, टूल्स वगैरह, उसकी जानकारी ले लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपका जो ये, मैं पढ़ के बता देता हूँ, सिलेबस में आपका जो लिखा हुआ है वो, टू मेक द पोजिशन फिक्स एंड कम्प्लीट द इंटरनल वायरिंग ऑफ द फिटिंग ऑफ ए स्विच बोर्ड कंटेनिंग एट लास्ट फोर स्विच, वन प्लग एंड वन रेगुलेटर। तो इसमें आपको फोर स्विच एक बोर्ड में लगाना है और वन प्लग, जो कि सॉकेट बोला जाता है, वो सॉकेट और एक रेगुलेटर फैन का, वो फिट करके किस प्रकार से कनेक्ट करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या सामान चाहिए वो अपन देख लेते हैं, ये प्रैक्टिकल करने के लिए। मेक ए स्विच बोर्ड फिटिंग, ये देखिए टूल्स में चाहिए हमें इंसुलेटेड कॉम्बिनेशन प्लायर 1 नंबर और इंसुलेटेड स्क्रू ड्राइवर 1 नंबर, फेज टेस्टर 1 नंबर, टेस्ट लैंप 100 वाट 240 वोल्ट 1 नंबर और वायर स्ट्रिपर 1 नंबर। और रॉ मटेरियल में हमें चाहिए एक, जैसा कि स्विच बोर्ड बनाने जा रहे हैं, तो वन वे स्विच फ्लश टाइप 5 एम्पियर 240 वोल्ट के फोर स्विच चाहिए। 3 पिन सॉकेट चाहिए 5 एम्पियर 240 वोल्ट 1 नंबर, एक सॉकेट हो गया। अब अगला इलेक्ट्रॉनिक फैन रेगुलेटर चाहिए, तो 1 नंबर इलेक्ट्रॉनिक फैन रेगुलेटर। फिर अगला है स्विच बोर्ड, तो 1 स्विच बोर्ड चाहिए विद कटिंग, जिसमें कि स्विचेज, सॉकेट्स एंड रेगुलेटर फिट हो सके। तो विद कटिंग एक स्विच बोर्ड चाहिए जिसका साइज है 8x10 इंच, ठीक है, विद कटिंग 5+1। 5+1 का मतलब है 5 स्विच की कटिंग, जिसमें एक रेगुलेटर भी आ जाएगा, और प्लस वन यानी कि एक सॉकेट है। तो इस प्रकार से एक बोर्ड हमें ये चाहिए। फिर उसके बाद कनेक्टिंग के लिए कनेक्टिंग वायर चाहिए, तो पीवीसी इंसुलेटेड मल्टी स्ट्रैंड कॉपर वायर 1 mm स्क्वायर डाय का, करीब 2 मीटर वायर चाहिए हमें। इन सब को कनेक्ट करने के बाद हम स्विचों को बोर्ड के अंदर फिट करेंगे स्क्रू की सहायता से, कटिंग के अंदर सॉकेट को फिट करेंगे, उसके बाद हम कनेक्शन करेंगे। कनेक्शन के लिए सर्किट डायग्राम मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर सर्किट आपका ये रहेगा, ये मैंने अभी बना रखा आपका, आपके सामने 4 स्विच हैं, तो 1 2 3 4, चार तो अपन ने मान लीजिए एज ए बोर्ड में ये फिट है, तो हमने 4 स्विच लगा दिए और एक रेगुलेटर का सिंबल दिखा रखा है मैंने, तो ये रेगुलेटर के 2 पॉइंट हो गए टर्मिनल, और ये आपका सॉकेट हो गया 3 पिन सॉकेट, ये अर्थ पॉइंट का टर्मिनल है और ये न्यूट्रल फेस वाला। अब इसको कनेक्ट कैसे करेंगे, 4 स्विच का कैसे क्या काम है, 1 स्विच तो एक फैन रेगुलेटर के लिए हो गया, तो ये मान लीजिए ये स्विच अपन रेगुलेटर के थ्रू फैन में दे देंगे, ये अपने पास एक फैन है, ये सीलिंग फैन है, ये सीलिंग रोज है, इसमें 2 पॉइंट है, एक रूम के अंदर एक बल्ब है, तो ये बल्ब हो गया, ये मान लीजिए एक ट्यूबलाइट का पॉइंट है, ये ट्यूबलाइट का पॉइंट हो गया, ये सीलिंग रोज हो गया,
अब इसको कनेक्ट करना है। ये रूम में एक लैंप लग रहा है, एक ट्यूबलाइट का ये सीलिंग रोज है, और ये फैन है, सीलिंग फैन, और ये सॉकेट हो गया। अब इसको कनेक्ट कैसे करेंगे, तो पहले सबसे पहले बोर्ड में तैयारी करेंगे। तो बोर्ड में हमारे पास जितने भी स्विच हैं उसको एक कॉमन कनेक्ट कर देते हैं एक वायर से, वायर को छील कर, और इसमें ये इस तरह से कर दिया जाता है कि स्विच के हर एक पॉइंट को एक वायर से कनेक्ट कर दीजिए। मान लीजिए इस पॉइंट को हमने किया, ये आ गया, इसको किया, ये स्विच है, ये स्विच को इससे कनेक्ट कर दिया। ये एक वायर से एक एक पॉइंट को शॉर्ट कर दिया जाता है। तो इस ये स्विच का ये वाला हो गया भाग, ये दूसरे टर्मिनल, ये तीसरे स्विच का टर्मिनल, ये चौथे स्विच का एक टर्मिनल, इसको एक स्विच से कनेक्ट कर दिया। तो ये हमारा कॉमन हो गया एक तरह से एक स्विच का। दूसरा न्यूट्रल हुआ, इसमें ये मान लीजिए एक सप्लाई लीड है, ये सप्लाई है, और इसमें ये आपका फेज है, और ये न्यूट्रल है, ठीक। अब इसको कैसे कनेक्ट किया जाएगा, फेज को सबसे पहले आपको पता है कि फेज वायर स्विच में से कंट्रोल करेंगे। तो ये फेज आ गया अपना, इसको बोर्ड के स्विच में देंगे जहाँ कॉमन बनाया हमने। ये आपका फेज आ गया, फेज को मैं रेड कलर से दिखा दूँ तो ज़्यादा ठीक रहेगा। ये आपका ये सबको रेड कर देते हैं ताकि शो हो जाएगी, ये फेज वायर रेड कलर से। अब ये तो फेज हो गया, अब लेंगे न्यूट्रल। न्यूट्रल के लिए मैं ब्लू कलर ले रहा हूँ। ये न्यूट्रल जाएगा अपना हर पॉइंट पे जाएगा। पॉइंट कौन से है, एक लैंप का पॉइंट है, एक ट्यूबलाइट का पॉइंट है, एक फैन का पॉइंट। तो सब ये न्यूट्रल आपका लैंप के अंदर गया। इस लैंप से इस ट्यूबलाइट के अंदर गया, यहाँ से इस पॉइंट में गया, और अब एक पॉइंट अपना नीचे बोर्ड के अंदर है, वो सॉकेट के अंदर है, सॉकेट के पॉइंट में आएगा एक। तो ये इधर से ये सॉकेट के पॉइंट में आ गया, ये यहाँ कनेक्ट हो गया, ये आपका न्यूट्रल वायर हो गया। अब फेज वायर का आउटपुट, ये स्विच का आउटपुट, ये स्विच लैंप का बनाना है, तो ये इस लैंप के साथ, इसको बोलते हैं इसका हाफ वायर, तो ये लैंप के साथ कनेक्ट हो गया। ये फेज आपका यहाँ आया, जैसे इस स्विच को ऑन किया जाएगा, ऑन करेंगे तो ये इससे कनेक्ट होगा और ये लैंप जलेगा। न्यूट्रल हमने सबको एक एक पॉइंट में दे दिया। इसके बाद में आपका ट्यूबलाइट का, तो ट्यूबलाइट का ये स्विच बना देते हैं, तो ये ट्यूबलाइट के साथ कनेक्ट कर दिया, ये हाफ वायर। इसके बाद आपका फैन है, तो ये फैन के लिए स्विच दिया। तो फैन रेगुलेटर कैसे लिया जाएगा, सीरीज में लगेगा। रेगुलेटर का जो आउटपुट है स्विच का, वो यहाँ से निकल के और रेगुलेटर के एक पॉइंट में जाएगा, एक टर्मिनल, दूसरे टर्मिनल से यही फेज वायर निकल के और आपका फैन में जाएगा, ये फैन पॉइंट में चला गया। उसके बाद आपका ये सॉकेट बच गया, तो सॉकेट का एक स्विच ये है, इस स्विच का आउटपुट सॉकेट में चला गया, ये आपका सॉकेट कनेक्ट हो गया फेज वायर से। इसमें न्यूट्रल आ गया, ये न्यूट्रल हो गया। तो सभी अब
इसके बाद में आता है ये अर्थ का पॉइंट। तो अर्थ का पॉइंट के लिए एक सप्लाई वायर से एक तीसरी जो लीड है वो अर्थ की होती है। तो ये मैं पेंसिल से इसको अर्थ का दिखा देता हूँ। ये आ गया आपका ये डॉटेड में दिखा रहा हूँ मैं, और ये अर्थ वायर हो गया। आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा तो ये पेन से कर देता हूँ। डॉटेड वाला वायर जो है वो अर्थ का दिखाई दे रहा है, ये अर्थ वायर है। तो ये अब अपन ने इसको सॉकेट को अर्थ भी कर किया हुआ है। आपके फैन को भी अर्थ कर सकते हैं। तो इसमें तीसरा पॉइंट सॉकेट का होता है, वो इसमें फैन वाले उसमें चला जाएगा बॉक्स में। तो इस तरह से जहाँ भी मेटल या कोई धातु की चीज़ें हैं तो उसको अर्थ वायर से कनेक्ट किया जाता है। ये अपन ने सॉकेट को कर दिया। तो ये तो कनेक्शन डायग्राम है। एक बार आप फिर से समझना चाहें तो बता देता हूँ आपको। ये देखिए, ये आपका बोर्ड है। बोर्ड के अंदर चार स्विच हैं, 1 2 3 4। एक फैन रेगुलेटर है, ये फैन रेगुलेटर, ये एक सॉकेट है 3-पिन सॉकेट। अब इसको कनेक्ट कैसे करना है। फेज वायर आया, सबसे पहले स्विच में गया, ये सप्लाई वायर, सप्लाई, ये तो आ गया आपके फेज, और ये न्यूट्रल लिखा हुआ है। अब 230 वोल्ट एसी, ये आपका फेज आ रहा है, फेज स्विच में गया। स्विच के सभी एक पॉइंट को अपन ने इस फेज के साथ कनेक्ट कर दिया। इसका दूसरा जो आउटपुट है स्विच का दूसरा पॉइंट, उसके साथ लैंप में दे दिया। इस स्विच को फैन के साथ वो ट्यूबलाइट के सीलिंग रोज से जोड़ दिया। इस स्विच से फैन के लिए रेगुलेटर में जाएगा पहले, फिर रेगुलेटर में से जो आउटपुट है दूसरा, तो रेगुलेटर से फैन में चला गया। यानी कि इस फेज वायर को रेगुलेटर को सीरीज में जोड़ना है। डायरेक्ट भी अपन स्विच से दे सकते थे फैन में, तो आपका फिर स्पीड कंट्रोल नहीं होता। स्पीड कंट्रोल के लिए रेगुलेटर लगाया गया। तो सबसे पहले स्विच ऑन करेंगे तो वो रेगुलेटर में सप्लाई गई, रेगुलेटर से निकल कर फैन में गई। तो इस तरह से फैन को रेगुलेटर की सहायता से स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा सॉकेट, तो सॉकेट में अपना ये न्यूट्रल आया हुआ है, और ये एक स्विच से ये कंट्रोल हो गया सॉकेट। जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे तो यहाँ सप्लाई आएगी, ऑफ करेंगे तो ये कट जाएगा। न्यूट्रल तो आप देख रहे हैं कि न्यूट्रल हर पॉइंट पे परमानेंट दे रखा हमने, एक एक पॉइंट पे। ये लैंप में चला गया, ये ट्यूबलाइट के सीलिंग रोज में गया, ये फैन के सीलिंग रोज में, और एक न्यूट्रल आपका सॉकेट में आ गया। तो ये आपका सर्किट डायग्राम हो गया। इस तरह से कनेक्ट किया जाएगा, और ये ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।